ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग गए थे बिग माफिया के घर पर। मतलब उससे हमें ये बात करनी थी कि जो घर तुमने खरीदा है ना, ये घर मुझे चाहिए। अब हम लोग उसको मार के वो घर नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है बिग माफिया के पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा फोर्स है, बहुत ज़्यादा वेपन है। तो इसलिए मैंने उससे आराम से बात करी। लेकिन यार वहाँ पर ना उसने हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम कर दिया, हमसे $800 मिलियन भी ले लिए और हमको वो वाला घर भी नहीं दिया। साथ में अंडरवाटर माफिया जिसको हमने किडनैप कर रखा हुआ था उसको भी अपने हवाले कर लिया। और भाई सच्ची में इतना बड़ा स्कैम भाई मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ। तो गाइस यार अभी ना ये सारी की सारी बात जो मैंने फ्रैंकलिन, ट्रेवर एंड लेस्टर को तो बता दिया है, और वो लोग प्लान बना रहे कि उन्हें बिग माफिया का क्या करना चाहिए, उसे मारना चाहिए, उससे पंगा लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यार ऐसा भी हो सकता है अगर हमने बिग माफिया से पंगा ले लिया तो अपनी सारी की सारी फोर्स जो है भेज कर हमें मरवा दे, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और बिग माफिया के जितने भी बंदे उसके साथ रहते हैं ना भाई, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपने भी देखा होगा वो हमेशा ना हमारे ऊपर एम करके रखते हैं, यानी कि अगर हम लोग कुछ भी करते हैं बिग माफिया के साथ तो वो लोग हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा गोलियां चलाएंगे पूछो मत। अभी फिलहाल मैं अपने किराए वाले घर पर तो पहुंचूंगा और मेरी सारी की सारी गाड़ियां ना यहाँ पर सेफ खड़ी हुई है। और गाइस यार मेरे दिमाग में ना एक छोटा सा थॉट था, मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि एक स्नाइपर लूँ और बिग माफिया के घर पर जाकर ना उसे एकदम दूर बैठ कर ठोक दूँ। अगर देखो बिग माफिया मुझे नजर आएगा तो आज ही मैं उसको मार दूंगा, अगर नहीं नजर आया तो भाई हमें ना कोई बहुत ही बड़ा प्लान जो है बनाना पड़ेगा, जो कि लेस्टर बना रहा है। अभी लेस्टर ने कहा था कि एक दो घंटे में मेरे से मिलने आ जाना जब हमारा प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस सर अभी जो मेरे दिमाग में एक छोटा सा थॉट था ना, मैं उसको एक बारी कर देखता हूँ। मतलब कि अभी मैं सीधा जाने वाला हूँ एम्यूनेशन की शॉप पर और वहाँ से ना अपनी स्नाइपर में एक सप्रेसर लगाऊंगा, फिर हम लोग सीधा जाएंगे बिग माफिया को लॉन्ग रेंज मारने। और अगर वो नज़र आ गया तो बिग माफिया खेल जो है मैं वहीं पर ख़त्म कर दूंगा। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक भगाता भगाता पहुँचने वाला हूँ सीधा एम्यूनेशन की शॉप पर। और यहाँ पर ना मुझे लगता था ट्रॉन बाइक की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, बट यार ऐसा नहीं है। ट्रॉन बाइक ना आवाज़ बहुत तेज करते हैं लेकिन चलती बहुत धीरे है। और यहाँ से मुझे राइट लेना है और अभी फिलहाल मैं यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ एम्यूनेशन की शॉप पर। जल्दी से अपनी बाइक को जो है मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ। और आपको पता होगा लास्ट टाइम ना मैंने अपनी एक स्नाइपर भी मॉडिफाई करवाई थी, लेकिन यार उसके अंदर ना मुझे एक मतलब जो मेरी AWM है ना मुझे उसे मॉडिफाई करवाना था, बट मैंने ना अपनी दूसरी वाली स्नाइपर मॉडिफाई करवा ली थी। तो यहाँ पर आज मैं मेन अपनी AWM मॉडिफाई करवाने आया हूँ, ये वाली गन। तो यहाँ पर ना इसके अंदर सबसे पहले को सप्रेसर लगवाना है, एडवांस स्कोप लगाना है, और बाकी अगर गन का कलर देखा जाए तो गन के अंदर ये आर्मी टिंट डाल दो भाई, ये बहुत बढ़िया है। तो अभी जो मेरी स्नाइपर है वो तो पूरी की पूरी मॉडिफाई हो चुकी है, और मुझे ना एक आर्मर भी बाय करना है जिससे मेरी हेल्थ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट रहेगी। और यहाँ पर मैंने एक आर्मर भी बाय कर लिया है। अभी ना हम लोग जल्दी से निकल लेते हैं सीधा बिग माफिया को मारने। अब मुझे ना मतलब कि कन्फर्म नहीं हो कि मैं उसे मार पाऊंगा या फिर नहीं मार पाऊंगा, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा दूर से उसके ऊपर फायर करूंगा और वहाँ पर से ना किसी को भी कोई भनक नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने अपनी गन के अंदर सप्रेसर भी लगवा लिया है। तो भी जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं सीधा बिग माफिया के घर के लिए। और मुझे ना बस यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाना है, बट यार मुझे नीचे हाईवे पर जाना था और मैं ऊपर वाले रोड पर आ गया, और यहाँ से नीचे की तरफ मैं हाईवे पर जा सकता हूँ। तो चलो भाई अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर हाईवे पर आ गया हूँ, अब बस सीधी भगानी है। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपनी ट्रॉन बाइक को 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भगाता भगाता बिग माफिया के घर पर पहुंचने वाला हूं। और यहां पर ना मैं अपनी बाइक को उसके घर के आगे से नहीं निकालूंगा, क्योंकि ना मैं उसे एकदम चुपचाप स्काउट करने वाला हूं, मैं बस उसे देखने वाला हूं। अगर वो मेरे को दिख गया तो मैं सीधा उसके स्नाइपर ठोकूंगा। और यहां पर जो अपना सारा का सारा काम है जिसके लिए प्लास्टर वगैरह प्लान बना रहे हैं वो काम मैं अकेले कर दूंगा। लेकिन यार मेरे को नहीं लगता कि बिग माफिया को मारना इतना ज़्यादा आसान होगा, उसके आसपास यार हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड हो, लेकिन एक बार चलकर देखते हैं, क्या पता वो हमारे महा तो मारा जाए। अभी ना बस थोड़ा सा मेरे को अपनी गाड़ी को और ले जाना, और पीछे की तरफ में ना मैंने एक रैबिट कुचल दिया अपनी बाइक से। तो गाइस यार मुझे ना यहाँ पर एक ऑफ रोड व्हीकल लाना चाहिए था या फिर कोई टूरिस्ट बाइक लानी चाहिए थी, लेकिन यार यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ ट्रॉन बाइक, जो कि यार हाईवे पर ही बढ़िया तरीके से चलती है, क्योंकि इस बाइक के जो शॉकर है ना उतने ज़्यादा बढ़िया नहीं है और यहाँ पर ये ढंग से चल नहीं रही। और सामने की तरफ में आप लोग देख पा रहे हो ये जो विला है, यानी ये जो मैंशन है, ये जो घर है, तो यार ये वही वाला घर है जिसके अंदर बिग माफिया रह रहा है। अभी ना यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्काउट कर देखता हूँ, और अपनी AWM के अंदर मैं एडवांस स्कोप इसीलिए लगा कर लाया था ताकि मैं यहाँ से ना काफ़ी दूर से सब कुछ देख सकूँ। बाकी ना यहाँ पर मतलब कि गेट पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी तो खड़ी हुई है, लेकिन ना मुझे कहीं पर भी बिग माफिया नज़र नहीं आ रहा है भाई। पूरी जगह देख ली मैंने, पूरी की पूरी बालकोनी देख ली, लेकिन बिग माफिया मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। शायद से रात का टाइम हो रहा है यार, वो सो रहा होगा यार, मैंने गलती कर दी रात में आकर, मुझे ना दिन में आना चाहिए था। लेकिन बता अगर मैं दिन में आऊँगा ना तो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड इसके खड़े हुए हैं ये मेरे को देख लेंगे बहुत आराम से, इनकी नज़रें बहुत ज़्यादा तेज है।
तो गाइस यार एक बार ही ना थोड़ा सा और आगे चलकर देखते हैं, क्या पता वो अपने बेडरूम के अंदर सो रहा हो और अगर मुझे यहाँ से उसका बेडरूम दिखेगा तो मैं उसको सोते सोते यहाँ पर स्नाइपर बजा दूंगा। लेकिन गाइस यहाँ पर ना सारे के सारे बुलेट प्रूफ ग्लास लगे हुए हैं जिससे कि मुझे आर पार का बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो चलो गाइस यार अभी तो हम लोग फिलहाल कुछ भी नहीं करते, हमें ना यहाँ से निकलना चाहिए। और यहाँ पर ये देखो भाई साहब, ये जा रहा बिग माफिया। मैं सोच रहा था कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन भाई साहब अभी जो हमारा टारगेट है वो मेरी स्नाइपर के एकदम सामने बैठा हुआ है। लेकिन अगर मेरा शॉट यहाँ पर मिस होगा ना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और भाई साहब ये तो अंदर जा रहा है, इसको मेरे को मारना ही पड़ेगा। ले तेरी ऐसी की तैसी। और यहाँ पर मैंने इसके शॉट तो बचा दिया और इसके बंदे को पता चल गया, अभी ना मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा। और वो लोग ना सीधा मेरी तरफ में ही देख रहे थे और अगर उनको पता चल गया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी भाई। अभी ना फटाफट से यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। मैंने ना उसकी पीठ पर शॉट तो बजा दिया, लेकिन मेरे हिसाब से यार हेड शॉट मारना चाहिए था। बट मैं पता क्या सोच रहा था कि ना वो थोड़ा सा अकेला हो जाए फिर मैं उसे मार दूँ। बट यार यहाँ पर तो वो अंदर की तरफ में चला गया। एक काम करता हूँ, नीचे वाले बंदों को ना अभी पता नहीं चला है। और यहाँ पर ना इसके थोड़े बहुत बंदों को ना मैं यहाँ पर डाउन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो सारे के सारे ये खड़े और यहाँ पर ना शायद से इन्हें पता चल गया। ओ भाई अभी कुछ नहीं कर सकते भाई, अभी ना जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ना इन लोग को मेरे बारे में मालूम पड़ चुका है। और ये देखो भाई ये लोग मेरे पास आ रहे हैं भाग के सीधा। भाई साहब अगर इन्हें पता चल गया तो गड़बड़ जाएगी, इन लोग को मारना पड़ेगा भाई। अभी इन लोग को मारना पड़ेगा या फिर मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। पीछे वाले बंदे को इतनी ज़्यादा खबर नहीं है, एक को तो मैं गिराऊंगा। आ जाओ बेटा, अभी जिसको बुलाना है बुला लो, एक को भी मैं नहीं छोड़ने वाला। वहाँ पर पीछे वाले बंदे को भी पता चल गया और जो नीचे से बंदे आ रहे थे ना भागते हुए, हो सकता है कि वो भागते भागते जल्दी से मेरे पास पहुँच जाएँ। एक काम करता हूँ अपनी ऑटो गन निकाल लेता हूँ, अगर वो लोग मेरे पास आएंगे बेटा मैं उनका मुँह तोड़ दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। और जो मेरी बाइक थी वो कहाँ पर खड़ी थी मुझे नहीं मालूम। बस यार इतना हो, बिग माफिया की मैंने ना पीठ पर गोली तो मार दिया है, अब मुझे नहीं पता कि वो जिंदा बचेगा या फिर नहीं बचेगा। अब AWM का जब शॉट पड़ता है तो भाई बंदा तो फिर मर ही जाता है, लेकिन यार देखो हेड लगा होता तो मैं मानता मर जाता। अगर अभी बॉडी शॉट लगाए तो हो सकता है कि वो बच जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कल भी मेरे एक बंदे ने बॉडी शॉट मारा था तो मेरे को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी ना जल्दी से मैं अपनी बाइक में बैठता हूं और यहां से निकल लेता हूं। और ये देखो भाई ये लोग आ गए मेरे को मारने के लिए। आ जा बेटा अभी तुम्हारा मैं मुंह तोड़ता हूं। भाई साहब मेरे को ढूंढने आए लोग, निकल तेरी ऐसी की तैसी। इसके बंदे हो रहे हैं, इनको मैं पहले ना मार के भगा दूं ताकि इनको ना पता ना चले कि आखिरकार आया कौन है और मैंने अपना फेस भी हाइड नहीं करा। और ये देखो गोलियां चला रहे हैं भाई साहब, निकल तेरी ऐसी की तैसी। एक और को डाउन कर दिया, यहां पर पीछे की तरफ से भी गोलियां तो चल रही है। अभी मैं पंगा नहीं लेने वाला भाई, अगर इन्होंने मेरे को अच्छे से देख लिया, मेरी शक्ल देख ली ना, तो भाई साहब बिग माफिया मेरे घर पर ही अटैक करवा देगा। अभी ये है कि जिन जिन ने मेरी शक्ल देखी थी मैंने उनको तो पूरा मार दिया है। अभी जल्दी से हम लोग अपनी बाइक में बैठकर यहां से निकल लेते हैं। भाई साहब बहुत खतरनाक सीन है। तो गाइस यार यहां पर ना मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। मैं ये सोच रहा था कि जब बिग माफिया अकेले हो जाएगा, मतलब कि जब उसके आसपास सिक्योरिटी गार्ड नहीं होंगे ना, मैं तब उसे मारूंगा। लेकिन यार वो ना अपने रूम के अंदर जा रहा था तो भाई मैंने तभी गोली चला दी और गोली जो है ना हेडशॉट पर, मतलब उसके हेड पे लगने की जगह है उसकी पीठ पर लगी और मेरे हिसाब से वो नहीं मरा। शिट यार क्या कर दिया मैंने, थोड़ी सी अगर मैं पहले गोली चलाता तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन अगर वो गोली मिस हो जाती ना तो फिर जो मामला है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता। मतलब कि फिर बिग माफिया को पता चल जाता कि ये हरकत किसकी है, क्योंकि वो अपने बंदे भेज देता मेरे पास और वो लोग आकर पता कर लेते कि भाई ये हरकत माइकल की है। अभी बिग माफिया की गोली लग गई थी इसलिए मैक्सिमम बंदे जो है बिग माफिया की सिक्योरिटी में लग गए और थोड़े बहुत बंदे आए थे मेरे को मारने के लिए जिनको मैंने डाउन कर दिया। अभी ना जल्दी से चलते हैं सीधा लेस्टर के पास। सब कुछ जो है ना थोड़ा सा खराब हो चुका है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस सीन के बाद ना बिग माफिया थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा। भाई शिट यार। तो कि गाइस अभी हम लोग फिलहाल पहुंचने वाले हैं लेस्टर के न्यू वाले ऑफिस में, जो कि उसने बाय करा था वनीला यूनिकॉर्न के अंदर। अभी ना जल्दी से चलकर देखते हैं कि आखिरकार इन तीनों लोगों ने प्लान बनाया क्या है। अगर देखो प्लान तगड़ा हुआ ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया सीन रहेगा, लेकिन अगर प्लान ही ऐसा बना है जिसमें हम बिग माफिया से पिट जाए या फिर प्लान फेल हो जाए तो भाई फिर तो बहुत ज्यादा सीन खराब हो जाएगा। क्योंकि ना अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बिग माफिया की हमारे से अभी कोई लड़ाई नहीं है। बिग माफिया को लग रहा है कि इन्होंने मेरे $800 मिलियन दे दिए और अभी उसके लिए हम लोग दोस्त हैं, लेकिन भाई अभी हम लोग उससे बदला लेने वाले हैं। तो यहां पर ना सबसे पहले ना मैं आपको अपना ATM में बैलेंस दिखा देता हूं कि मेरा बैलेंस आखिरकार चल क्या रहा है। ये देख लो गाइस मेरे पास ATM में सिर्फ और सिर्फ अभी $2 पड़े हुए हैं, मतलब कि जितना पैसा था सारा का सारा मैंने बिग माफिया को दे दिया है। अभी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ में और देखते हैं यहां पर क्या सीन है। इनका अगर प्लान तगड़ा हुआ ना तो यार बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। और लेस्टर ने ना यार बहुत ही बढ़िया जगह पर ऑफिस लिया है, मतलब कि यहां पर अगर पुलिस वगैरह भी आती है ना तो पीछे से भागने के लिए एक गेट है, यहां पर हम लोग आराम से भाग सकते हैं और पुलिस वालों को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग यहां पर बैठ के इतने खतरनाक प्लान बनाते थे, वरना ये चीज अलाउड नहीं है। बाकी ना आप लोग यहां पर देख पा रहे हो ये तीनों तो फिलहाल अपना यहां पर खड़े होकर प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो कि गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर लेस्टर से बात हो गई और लेस्टर ने मुझे पूरा का पूरा प्लान जो है डिस्कस कर दिया, यानी कि समझा दिया कि आखिरकार तुम्हें करना क्या है। और फ्रैंकलिन और लेस्टर, यानी फ्रैंकलिन और ट्रेवर को तो ये जो प्लान है पहले से ही पता था, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर बनाया। अब इस प्लान में देखो हमें करना क्या है ना, मतलब कि बिग माफिया को मारना है उसके घर में घुस के। अब लेकिन ना उससे पहले भी हमें दो तीन काम करने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और बाहर अभी हम लोग आकर बैठ गए हैं फ्रैंकलिन की गाड़ी में, और फ्रैंकलिन से ही मैं मजे ले रहा हूँ, उसको उसकी गाड़ी में नहीं बैठा रहा। वैसे अभी ये मजे का टाइम नहीं है, ये सीरियस टाइम है, तो जल्दी से गाड़ी में बैठ जा। तो हाँ गाइज, अभी मैं ये कह रहा था कि ना अभी हमें मतलब कि जो बिग माफिया है उसको मारना है, तो हम लोग मारेंगे कैसे, उसे मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तो गाइज सर, अभी ना लेस्टर के प्लान के मुताबिक हमें सबसे पहले जाना है मिलिट्री बेस वेपन चुराने के लिए। अब देखो भाई, मेरे पास तो काफ़ी सारी गन है, फ्रैंकलिन के पास भी है और ट्रेवर के पास भी है, लेकिन भाई सीन अभी क्या है ना कि लेस्टर ने बोला कि हमें अपनी टीम को यानी कि अपनी गैंग को पहले थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, हमें थोड़ी बहुत ना मतलब ग्रीन गैंग के बंदे अपने साथ चाहिए और थोड़ी बहुत लॉस्ट गैंग के बंदे अपने साथ चाहिए, और हम सारे मिलकर जाएंगे बिग माफिया को मारने के लिए, अकेले हमारे बस की नहीं है, ऐसा लेस्टर कह रहा है। क्योंकि यार सच्ची में यही बात है, उसकी जो फोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम तीनों मिलकर अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो हमें ना अपनी टीम को अभी बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग अपने साथ ग्रीन गैंग, लॉस्ट गैंग सारे के सारे मिलकर जाएंगे। और लेस्टर ने बोला कि आज की डेट के अंदर हम लोग बिग माफिया को मार के उसका खेल खत्म कर देंगे, तो अभी इसीलिए हम लोग सीधा जाने वाले मिलिट्री बेस, वहां से काफी सारे वेपन्स चुराएंगे और वो सारे के सारे वेपन्स लाकर दे देंगे ग्रीन गैंग के बंदों को और लॉस्ट गैंग के बंदों को। तो गाइस यार, आप सभी लोग को ना याद होगा काफी टाइम पहले ना हम लोग टेररिस्ट का एक सीक्रेट टैंक चुरा कर लाए थे, जो कि यार काफी ज्यादा पावरफुल था, बहुत ज्यादा बुलेट प्रूफ था, और उस टैंक से हम लोग ने बेलास गैंग से फाइट करी थी, और उस टैंक की वजह से हम लोग बेलास गैंग को मार पाए थे और उससे जीत गए थे। तो अभी ना सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ, वो वाला जो टैंक है ना हमने फ्रैंकलिन के घर के पीछे वाली पहाड़ी पर ही छुपा कर खड़ा कर दिया था। तो अभी ना जल्दी से हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं यहाँ पर फ्रैंकलिन के घर पर, और भाई लेस्टर को ना एक एक चीज़ याद रहती है और लेस्टर याद दिला देता है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल फ्रैंकलिन की जो गाड़ी है मैंने उसके घर पर लाकर खड़ी कर देती है। अभी ना मैं जल्दी से ना ऊपर जाकर वो वाला जो टैंक है ना उसे लेकर नीचे आ जाता हूँ। तो गाइस यार सच्ची में वो जो टैंक है ना यार पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ है, मतलब कि चाहे बाहर से तुम कितनी भी गोलियां चला लो हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, और जो इस टैंक के ऊपर ये वाली गन लगी हुई ना भाई ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि अगर इससे हम लोग कोई गाड़ी फोड़ने लगते हैं ना तो 2 मिनट के अंदर चुटकियों में वो गाड़ी फूट जाती है। तो अभी ना जल्दी से अपने टैंक को नीचे लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर भाई जल्दी से और टैंक के अंदर बैठो, और यहाँ पर अभी देखते हैं कि ऊपर वाली जो गन लगी है उसे कौन चलाएगा। तो चलो भाई, अभी फ्रैंकलिन जो है गन चलाने के लिए जो है बैठ चुका, और यहाँ पर टैंक में ब्रेक नहीं लग रही है, जल्दी से बैठ जा भाई ट्रैवर। भाई टैंक जो है ना फिसले जा रहा है, पहाड़ पर खड़ा कर रखा था इसलिए, और यहाँ पर हमेशा की तरफ फ्रैंकलिन जो है ऊपर जाकर बैठ चुका है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना हम लोग फिलहाल मिलिट्री बेस के मेन गेट पर तो पहुंच चुके हैं, बस ना हमें सामने से थोड़ा ये वाला ब्रिज और क्रॉस करना है, फिर मिलिट्री बेस का मेन एंट्रेंस गेट जो है आ जाएगा, और उस गेट के अंदर घुसते ही पुलिस वाले जो हमें मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोग कुछ खतरनाक एंट्री करने वाले हैं। निकलो यहाँ से तुम्हारी भैंस के रंग, जिसको बुलाना है बुला लो, अभी ना किसी का डर नहीं मारा, क्योंकि हमारे पास जो गाड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मार इसको, मार, किसी को नहीं छोड़ना भाई। अभी ना इसकी गाड़ी के अंदर मैं जब तक आग नहीं लगा दूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई, गाड़ी फूटी थी लेकिन ना उससे हमारी गाड़ी को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, मुझे तो लग रहा था कि हमारी गाड़ी में भी आग लग जाएगी। मारो इसको भी, मारो, किसी को नहीं छोड़ना अभी। यहाँ पर ना जितने भी पुलिस वाले पहले ना इनके अंदर आतंक मचा देंगे थोड़ा, और यहाँ पर ना देखो फ्रैंकलिन को किस तरीके से ऊपर बैठ के गन चला रहा है। ओ भाई, सामने की तरफ में भी काफ़ी सारे, ओ तेरी गाड़ियाँ फोड़ दूंगा भाई सारी की सारी। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, पुलिस वालों का टैंक है और यहाँ पर हमारे पास टेररिस्ट का टैंक है, और यहाँ पर ना अभी इस टैंक को कैसे हराना है वो भी मुझे मालूम है। ये देखो, ये जो टैंक है ना अभी अपने बंदों के ऊपर ही गोली चला रहा है, और देखो भाई उस टैंक के अंदर आग लग गई जबकि हमने उसके ऊपर कोई गोली चलाई नहीं, और पूरा का पूरा टैंक फूट गया। ये देखो, इस वाले टैंक वाले को मैं पूरा का पूरा ना अभी पागल बनाने वाला हूँ। बस ना इनको गोल गोल घुमाने दो, ये आपस में एक दूसरे को मार देते हैं। देखो भाई, ये चुटकियों में मैंने इनका खेल खत्म कर दिया, और सामने से ना एक टैंक और आ गया, इसको भी ऐसे मारना पड़ेगा। तो भाई यार ये देखो, यहाँ पर ना इन मिलिट्री वालों को मैंने क्या हाल कर दिया, इनके टैंक को ना गोल चक्कर घुमा घुमा के ऐसा सीन कर दिया कि जब ये लोग फायर कर रहे थे ना तो गलती से अपने ही बंदे को मार डाल रहे थे। और यहाँ पर ना सामने की तरफ में ना इनके पास काफ़ी सारे कार्गो प्लेन खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ इनके किसी एक प्लेन में आग लगा दूँ, एक टक्कर मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसके अंदर ना एक ना एक आग लगानी पड़ेगी, और इसके अंदर पीछे आग लग चुकी है। फ्रैंकलिन गोली मार इसमें जरा, वो तेरी भैंस की टांग। भाई फ्रैंकलिन ने बजा दी गोली, और इनका पूरा का पूरा कार्गो प्लेन जो है फट चुका है। क्योंकि गाइस यार अभी ना फालतू की मस्ती हम लोग बाद में करेंगे, अभी ना सीधा मैं जाने वाला हूँ इनके मेन एरिया में जहाँ पर वेपन्स रखे होते हैं। अब फिलहाल मिलिट्री बेस है, हर जगह हमें वेपन मिलने वाले हैं, लेकिन वो वाली जो बिल्डिंग है ना उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ना वहाँ पर मैंने वेपन्स रखे हुए देखे हुए हैं। अभी जल्दी से चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर, और जितने भी वेपन्स हैं ना उसको गाड़ी के अंदर लोड करवाते हैं, और यहाँ से सीधा निकल लेते हैं अपने घर के लिए वापस। और भाई सच्ची में मिलिट्री वालों की ना मैंने तो पूरी की पूरी हालत ख़राब कर दी, और चलते ही ऐसे की तैसे निकल यहाँ से। अभी ना जल्दी से अंदर आ जाओ। भाई गोली किसने मारी? भाई सब बच गए हम लोग। अच्छा हो कि मैं गाड़ी से बहुत ज़्यादा लेट उतरा, और यहाँ पर एक टैंक और आ गया। अंदर भागो, बाहर रहोगे तो नहीं बचने वाले। और फिलहाल मैं तो भागते अंदर आ गया, और तेरी भैंस की टांग, ये अंदर क्या कर रहे हैं भाई? एक सेकंड रुक जाओ, चल तेरी ऐसी से निकल गंजे। तो कि गाइस यार, यहाँ पर तो फिलहाल कोई भी वेपन क्रेट नहीं पड़ी है। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना यहाँ पर मैंने वेपन्स तो देखे थे, और बाकी ना यार इस एरिया में भी कुछ नहीं है। फिलहाल ये तो ट्रेनिंग रूम है, यहाँ पर वैसे भी कुछ नहीं होगा। और यार मुझे लग रहा
ना मुझे बहुत ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पर सीढ़ियां जा रही है, सामने से लिफ्ट जा रही है। एक काम करते हैं ना, एक जगह हो रहा है जहां पर हमें वेपन्स मिल सकते हैं, जल्दी से ना हम लोग वहां पर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस यार मेरे को तो लग रहा है ना कि ट्रैवर ने यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना सबको मार दिया, लेकिन ट्रैवर कहाँ पर है भाई? ट्रैवर तो मेरे को नजर ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अभी थोड़े बहुत बंदे और बचे, और यहाँ पर इनकी गाड़ी, ओ भाई साहब, भाई इनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सामने ऊपर से निकल कर आए एक दो लोग। तुम्हारी ऐसे की तैसे किसी को भी ना शाना बनने की जरूरत नहीं है, मुंह तोड़ दूंगा। और यार लेकिन आखिरकार ट्रैवर और फ्रैंकलिन कहाँ चले गए? फ्रैंकलिन तो भी यहीं पर था, पता नहीं कहाँ चला गया। ओके तो फ्रैंकलिन पीछे है, फ्रैंकलिन पीछे देख, अंधे बंदे आ रहे हैं तेरे। ओ भाई साहब, फ्रैंकलिन अपना अलग ही होश में, उसको लग रहा सारे के सारे मर चुके हैं। और यहाँ पर ना भी जल्दी से गाड़ी में बैठो, दूसरी जगह पर चलते हैं बंदे मारने के। भाई ट्रैवर नहीं आने वाला, ट्रैवर का मत्था अलग ही चलता, बच गया भाई। गोलियां आ गई उत्तर की, भाई साहब सामने से टैंक लेकर आ गया। एक मिनट रुक जाओ, इसको ना इसके टैंक से मैं बाहर निकालता हूँ, तेरी ऐसी की तैसी चलाइयो मत। दो मिनट रुक बेटा, अभी मैं तेरे को बताता हूँ यहाँ पर ना। अबे मेरे लग जाएगी, जल्दी से ना ऊपर चलता हूँ और इसको ना बाहर निकालता हूँ, तेरी भैंस की टांग बाहर निकल। तो अभी जो इस टैंक को कंट्रोल कर रहा है ना, पहले उसी को बाहर निकालो। इधर अबे कहाँ का बदमाश है तू, तेरी भैंस की टांग, अभी इसे बताता हूँ। भाई साहब टैंक चलाएगा, इधर अब चोड़ाओ। अब क्या हुआ भाई साहब, टैंक के अंदर बैठ के शेर बन रहा है। तो अभी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं दूसरी जगह पर जहाँ पर हमें वापस मिलने वाले हैं। फटाफट से ना अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और निकल लेता हूँ। और भाई सच्ची में दिमाग खराब कर रहा है ड्राइवर, भाई बात सुनने को राजी नहीं है बंदा, अपनी चलाया जा रहा है, हम लोग कह रहे हैं गाड़ी में बैठ, ये जाके बंदे मार रहे हैं। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से ना यहाँ पर हमने काफी सारे बंदे मार दिए हैं। और अच्छी बात तो यह कि ड्राइवर भी आकर गाड़ी में बैठ गया है, और सामने से ना पुलिस वालों की एक गाड़ी और आ गई है। और अगर ड्राइवर इन्हें देख लेता ना तो इनको भी पहले मारता फिर हमारे साथ आता, तो शायद से इस वाले वेयरहाउस के अंदर हमें वेपन्स जो है मिल जाएंगे। तो ना अभी जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी कोई, ओ तेरी, ये देखो यहाँ पर इनके सारे के सारे वेपन्स लोड आउट उतरे पड़े हैं। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, जितने भी पुलिस वालों के वेपन है ना वो सारे के सारे यहाँ पर इन्होंने उतरवा रखे हैं। इसके अंदर भी काफी सारी गन्स है, बस हमें ना एक ही डब्बा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, इतने डब्बे में सबका हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखो भाई, इतने सारे बंदे सामने से आ रहे हैं। तो अभी ना फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर जल्दी से सारे के सारे वेपन जो है लोड करवाएंगे गाड़ी में, और मैं सीधा जाने वाला हूँ इन लोग को मारने। और यहाँ पर पीछे से भाई साहब एक सेकंड रुक जाओ, कोई ना कोई तो बजूका चला रहा है। बेटा ये मत भूलो कि मेरे पास भी बजूका है, अगर मैं चलाने पे आ गया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। और यहाँ पर ये तो भाई साहब फायर वर्कर वाला लॉन्चर था, और भाई प्लेन गया सामने वाला। आ जाओ बेटा, जिसको आना आ जाओ, अभी मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, जल्दी आओ, सबका मुंह तोड़ूंगा। तो कि गाइस यार अभी ना फ्रैंकलिन और ट्रेवर ने फटाफट से मिलके जितने भी गन्स थे, जितने भी वेपन्स थे ना, वो सारे के सारे अपनी गाड़ी में लोड करवा दिए हैं। अब ना इन्होंने ज्यादा वेपन नहीं लिए, जितने की हमें जरूरत है उतने ही वेपन लिए हैं। अभी ना जल्दी से ट्रेवर गाड़ी में बैठ, क्योंकि यहाँ से ना अब निकल कर भागने का टाइम जो आ चुका है। अगर थोड़ी देर भी हम लोग यहाँ पर रुके तो हो सकता है कि पुलिस वाले अभी हमें मार दें। तो जल्दी से ना हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं ना, पीछे वाले गेट से एग्जिट हो जाते हैं, मतलब जिस गेट से आए थे हम लोग उसी गेट से नहीं जाने वाले, हम लोग जाएंगे दूसरे गेट से। और ये देखो भाई, इसको देखो, अलग ही बदमाश बन रहा है। यहाँ पर इतनी तेज गाड़ी ठोकी ना, बेचारे का गेम के साथ साथ दिमाग भी चकरा गया होगा। अभी ना फटाफट हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। तो भाई देखो, अभी ना सब कुछ फ्रैंकलिन के हाथ में है, क्योंकि ना अपने पीछे बहुत सारी पुलिस पड़ी हुई है, और इन सबको जो है फ्रैंकलिन ही कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत तगड़ी गन है। मैं तो बस अपनी गाड़ी को बढ़िया तरीके से चला सकता हूँ, और सामने से जो जो पुलिस वाले आएंगे उनको टक्कर मार के हटा सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी हटा दिया। तो कि गाइस यार अभी हम लोग फिलहाल बिल्कुल सेफ है, पुलिस वालों ने भी हमारा पीछा जो है छोड़ दिया है। लेकिन गाइस यार एक दिक्कत आ गई है, मतलब कि अभी मैं सीधा जाने वाला हूँ सबसे पहले द लॉस्ट गैंग के बंदों के पास। अब जो ग्रीन गैंग के बंदे थे ना, वो तो फिलहाल फ्रैंकलिन के दोस्त हैं, और वो लोग हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि जब हम लोग बिग माफिया को मारने जाएंगे तो वो लोग हमारे साथ चलने वाले हैं। और लेकिन जो मतलब द लॉस्ट गैंग के बंदे हैं ना, वो लोग हमारे साथ आने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि भैया तुम बेमतलब हमें मारते रहते हो, तुम्हारी हमारे से लड़ाई चल रही है, इसलिए हम लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो उसके बदले पैसे लेंगे। तो अभी ना उन्हें पहले उनके घर पर चलना पड़ेगा समझाने के लिए, या फिर हम लोग उनको पैसे देकर साथ ले आएंगे। लेकिन ना अभी उन लोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फाइटिंग के मामले में वो लोग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं दो लॉस्ट गैंग वालों के एरिया में तो पहुँच गया हूँ। एक काम करता हूँ ना, अपनी गाड़ी को जो मैं ना यहीं पर साइड में पार्क कर देता हूँ, क्योंकि ना मैं नहीं चाहता कि ये लोग मेरी टेररिस्ट वाला टैंक जो है देखे। अगर इन लोगों ने वाला टैंक देख लिया ना, तो ये लोग बेचारे वैसे ही डर के मारे भाग जाएंगे। अभी ना अंदर चल के इनसे बात करते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पर खड़े हैं सारे के सारे द लॉस्ट गैंग के बंदे, और इनका जो मेन हेड है, जो मेन मैनेजर है, वो अंदर की तरफ में है। लेकिन ना एक बार इनसे बात कर लेता हूँ, सारे के सारे फोन पे बात करने में बहुत ज़्यादा बिजी है। और यहाँ पर ना फिलहाल अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ। और भाई गन किस लिए निकाल रहे हैं? अभी ये हमें जानता नहीं है, चुपचाप ना गन अंदर रख ले यहाँ पर, वरना मुंह तोड़वा दूंगा दोनों से। मारो सालों को, मारो इनकी ऐसी की तैसी यहाँ पर, जब तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहे हम लोग, गन निकालने की क्या जरूरत है? इधर आ भाई साहब, लग रहा है जानते ही नहीं है अभी हम लोग को ये। इधर आओ, तुम्हारी भैंस के रंग किसी को नहीं छोड़ने वाला। अब जो मेन इनका हेड है ना, वो भी हमारे से पिटने वाला है। भाई साहब हम लोग कुछ कह नहीं रहे तो ये लोग बदमाश बन रहे हैं। गाइस यार सच्ची में द लॉस्ट गैंग के बंदे भी ना थोड़ी बहुत कभी कभार फालतू हरकत करते हैं। एक बार ना एक काम करता हूँ, इनके ऑफिस के अंदर चलता हूँ, और यहाँ पर ना सीधा इनके मैनेजर से बात करूंगा। और मैं मैनेजर कहाँ पर मिलेगा मेरे को अभी पहले वो बताओ। बाकी ना एक बार अंदर चलकर देखते हैं, यहाँ पर सारे बंदे जो अपना सोने वोने में लगे पड़े हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और
यहाँ पर एक रूम इधर जा रहा है, इसके अंदर है क्या मैनेजर? ओ भाई साहब, यहाँ पर ना सारी की सारी लाशें बिछा रखे हैं जिसको भी ये लोग मारते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पर एक रूम और है इधर। ओ तेरी, ये तो सॉरी बाथरूम के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है। ओके तो गाइज ये देखो सामने की तरफ में ये बैठी हुई है द लॉस्ट गैंग की मैनेजर, और यहाँ पर ये बंदों का पैसों का बंटवारा चल रहा है। अच्छा तो ठीक है, तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरी यहाँ पर द लॉस्ट गैंग के मैनेजर से तो बात हो गई और ये कह रही कि हम लोग अपने 5 बंदे भेजने के $10 मिलियन लेंगे और अभी मैं इसको देता हूँ $10 मिलियन। तो भाई साहब इन लोगों ने जिंदगी में $10 मिलियन देखे हैं नहीं, और ये $10 मिलियन मांग रहे हैं, निकल यहाँ से अभी इसकी ऐसी की तैसी। अब यहाँ पर ना इसके मैं टोटल 5-6 बंदे यहाँ पर जितने भी बंदे ना सबको अपने साथ ले जाऊंगा, और जहाँ पर ये लोग बंदे मार के सबकी लाशें बिछाते थे वहीं पर मैंने इसकी भी लाश बिछा दिया। एक काम करता हूँ ना, इसकी बॉडी में आग भी लगा देते हैं लगे हाथी, क्योंकि ये सबको जला भी देते हैं ना। तो चलो भाई यहाँ पर भी मैंने की बॉडी भी चला दी, और इतने नकली सिक्योरिटी गार्ड हैं इसके, किसी को पता भी नहीं चला। भाई मेरे को तो लग रहा है लॉस्ट गैंग के बंदे हमारे साथ चल के ना बस पिटने वाले हैं और कुछ नहीं। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, मैंने कहा था ना लॉस्ट गैंग के बंदों के पास ढंग के वेपन नहीं है, मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे हैं जिनके पास AKM है, बाकी दो के पास पिस्टल है और एक के पास सिर्फ और सिर्फ बेसबॉल बैट है। अब यहां पर ना द लॉस्ट गैंग के बंदे कह रहे हैं इनके पास एक ट्रक है जिसके अंदर ये लोग अपना आना जाना करते हैं। तो यहां पर ना अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाने वाले, यानी जो हमारा टेररिस्ट वाला टैंक था वो पीछे की तरफ में खड़ा हुआ है, और यहां पर अभी मैं जाने वाला हूं सीधा ये बड़ा वाला ट्रक लेकर। और यहां पर भी फटाफट से फ्रैंकलिन तो है जल्दी से आगे की तरफ में आकर बैठ गया है, और ये लोग एक एक करके जल्दी से ट्रक के अंदर जो है बैठना शुरू कर रहे हैं। तो भाई जल्दी बैठो, अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं है, और यहां पर एक बंदा नहीं आ रहा। भाई तेरे को क्या दिक्कत होगी, जल्दी से आ जा इस वाले गेट से, मैं अपना ट्रक जो है साइड कर लेता हूं। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल सारे के सारे बंदे जो है ट्रक के अंदर बैठ चुके, और मैंने ना ड्राइवर को भेज दिया अपना टैंक लेने जिसके अंदर हम मिलिट्री बेस से सारे के सारे वेपन जो है चुरा कर लाए हैं, क्योंकि वो वाला टैंक भी तो ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई साहब पता नहीं क्या अजीबोगरीब बंदे लॉस्ट गैंग के भी, सच्ची में इतनी अजीब सी जगह पे ट्रक घुसेड़ के पार्क कर दिया कि निकलने का भी नाम नहीं ले रहा। खैर छोड़ो जो भी है, अभी ट्रैवर जो है उस वाली गाड़ी के अंदर जाकर बैठ चुका है, और ये मेरे सीधा पीछे पीछे आने वाला है। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, ट्रैवर जो है दूसरे वाले टैंक के अंदर जाकर बैठ चुका है जिसके अंदर अपने सारे के सारे वेपन जो है रखे हुए हैं। और अभी हम लोग जाने वाले हैं सीधा लेस्टर के पास, और वहीं पर सारे के सारे ग्रीन गैंग के बंदे भी हैं, और वहीं से हम लॉस्ट गैंग के बंदे को भी ले जाएंगे और सब में वेपन्स बांटेंगे, और फिर सीधा हम लोग जाएंगे बिग माफिया के पास उसको मारने के लिए। तो कि गाइस यार अभी फिलहाल जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी मैं अपना ट्रक भगाते पहुंच चुका हूं सीधा लेस्टर के नए वाले ऑफिस में, और यहां पर ना जल्दी से अपने ट्रक को यहीं पर पार्क कर देता हूं और जल्दी से हम लोग बाहर निकलते हैं। और ट्रैवर कहां पर रह गया यार, मेरे हिसाब से तो ट्रैवर हमारे पीछे आ चुका था। ओके तो गाइस यार ट्रैवर जो है वहां पर अटक गया, जल्दी से आते ही होगा, पहले ट्रैवर का वेट कर लेते हैं। मुझे तो लग रहा था बहुत सारे बंदे आएंगे लॉस्ट गैंग से भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी 3 ही लोग आए, और यहां पर ट्रैवर भी जो आ चुका है। गाड़ी से सारे के सारे वेपन निकाल के इन लोग को बांटेंगे, और जल्दी से हम लोग सीधा जाने वाले हैं द बिग माफिया को मारने। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, यहाँ पर ट्रेवर ने, मैंने और फ्रैंकलिन ने तीनों ने ना पूरी की पूरी आर्मर्ड ड्रेस पहन ली है जो कि हमें लेस्टर ने लाकर दिया है, और यहाँ पर ना लेस्टर ने सारे के सारे वेपन्स निकाल के इन लोगों को बांट भी दिए हैं। मतलब कि अभी हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सारे के सारे वेपन भी हो गए और एकदम बढ़िया से ड्रेस भी हो गए जिसके अंदर हमें गोलियों का ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, यानी कि अब बिग माफिया का खेल जो है ख़त्म होने वाला है कुछ ही देर में। तो अभी जल्दी से सारे के सारे लोग गाड़ी में बैठे और हम लोग निकल लेते हैं सीधा बिग माफिया को मारने। और यहाँ पर ना अभी कुछ बंदे ना नहीं आए हैं, मतलब कि जो ग्रीन गैंग के बंदे थे, मतलब इतने सारे लोगों को बुलाया था लेकिन कुछ बंदों ने धोखा दे दिया, वो लोग नहीं आए, तो उन लोग को हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल ना सारे के सारे बंदे जो है ट्रक में बैठ चुके हैं, फिलहाल ट्रैवर मेरे साथ आगे बैठ गए हैं क्योंकि ट्रैवर और मैं सबसे आगे जाने वाले अटैक करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है पूरी की पूरी आर्मर ड्रेस है और सबसे तगड़ी तगड़ी गन भी हमारे पास ही है। तो गाइस यार आज बिग माफिया का खेल जो है ना सच्ची में खत्म होने वाला है। तो चलो गाइस यार आज है फ्रैंकलिन ट्रैवर माइकल की जिंदगी और मौत का सवाल। पहले हमारी इतनी बड़ी वॉर हुई थी बेलास गैंग के साथ, और अब होने जा रही है बिग माफिया के साथ जो कि लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। और यहां पर अभी हमने ना इनके सीधा घर के बाहर ही अपनी गाड़ी लाकर रोक दिया है, और मैं सीधा उतरते ही इनको मारने वाला हूं। आ जाओ बेटा, जिसको जो करना कर लो, तुम्हारी ऐसी तैसी मारो, सीधा मारेंगे भाई अभी हम लोग, बिल्कुल भी छुप छुप कर नहीं जाने वाले, सीधा घर में घुस के मुंह तोड़ेंगे, जो करना है कर लो, आ जाओ भाई, जिसको बुलाना है बुला लो। यहाँ पर अभी मैं सीधा अपनी बस गोलियां चला कर रखूंगा, बस ये लोग ना मेरे पीछे आते रहे, और अभी मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, जल्दी आओ भाई। तो गाइस यार देखो अभी ना सीन एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा इतनी ज्यादा पुलिस इतनी जल्दी कैसे आ गई, मतलब क्या पुलिस वाले लग रहे हैं ना भाई इसके अंडर है भाई, सारे के सारे पुलिस वाले इतनी जल्दी आ ही नहीं सकते, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब सामने की तरफ में ना बहुत सारे इसके घर की सिक्योरिटी है, और पहले जब मैं आया था ना तो अलग सिक्योरिटी गार्ड थे, और अब ना अलग सिक्योरिटी गार्ड है, और सामने की तरफ में जितनी भी इसकी गाड़ियां थी भाई सारी की सारी अभी जलने वाली है, क्योंकि ना वहां पर काफी सारे बंदे थे और उन्हें मारने के लिए मुझे उस गाड़ी को जलाना ही पड़ेगा,
और छत पे जो हेलीकॉप्टर खड़ा था वो भी मैंने फोड़ दिया है। अब यहाँ पर ना धीरे धीरे ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पीछे की तरफ में रहकर ना फ्रैंकलिन वगैरह पुलिस वालों का ध्यान रख रहे हैं, और मैं घर के अंदर जाके बिग माफिया को मार कराता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको मारना है। और यहाँ पर ना जितनी भी गाड़ियां ना मैं अभी सारी की सारी फोड़ दूंगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला भाई। यहाँ पर इसने मेरे से पंगा लेकर ना बहुत बड़ी गलती करी और ये गई सारी की सारी गाड़ियां भाई। अभी ना जल्दी से मैं भी घर के अंदर घुस जाता हूँ और अपनी ना मैं M416 मैंने निकाली, और यहाँ पर भी जो भी होगा ना मेरे से पिटने वाला वो देखो भाई। सामने की तरफ में एक सिक्योरिटी गार्ड है, बेटा मेरे पे गोली मत चला मैं बता रहा हूँ, मुंह तोड़ दूंगा। अभी फिलहाल इसको तो मैंने डाउन कर दिया, अभी ऊपर से ओ तेरी ये मार रहा, मेरे को लग रहा ऊपर से कोई मार रहा था। अभी फिलहाल ये देखो भाई साहब, यहाँ पर ना अलग सिक्योरिटी गार्ड है, ये सारे के सारे वो वाले सिक्योरिटी गार्ड है जो कि इसके मिलिट्री बेस में थे। अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा और आगे चलते, और यहाँ पर एक देखो ये खड़ा हुआ चलती रही ऐसी की तैसी। यहाँ पर फिलहाल मैंने सबको मार दिया है। तो गाइस अभी ना अच्छी बात तो ये है कि मैं अपने साथ में फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर को लाया, और वो लोग बाहर रहकर ना पुलिस वालों का ध्यान रखने आए ताकि पुलिस वाले हमें कुछ भी ना कह पाए। अभी ना सामने की तरफ में एक और खड़ा, ओ भाई साहब इतने सारे बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, ये जो सिक्योरिटी है ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब कि सबके पास M249 है जो कि बहुत खतरनाक वेपन है। एक ही सामने खड़ा हुआ, एक हीरा चलती रही ऐसी जैसे निकल, सामने वाले कमरे में भी एक है इसको भी मारो भाई। अभी तो फिलहाल यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को मार चुका, और यहाँ पर अंदर वाले कमरे में भी एक से एक सेकंड रुक जा बेटा, अभी अंदर ही घुस के तेरे को मारूंगा, निकलती रही ऐसी की तैसी। ओ भाई साहब इतने सारे बंदे भाई। तो कि गाइस सर अभी ना मैंने नीचे वाला फ्लोर तो पूरा चेक कर लिया था, और फर्स्ट फ्लोर पर भी आकर मैंने काफ़ी सारे रूम चेक कर लिए, काफ़ी सारा एरिया चेक कर लिया, लेकिन ना मुझे कहीं पर भी बिग माफिया नज़र नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है जब मैंने इसके ऊपर स्नाइपर चलाई थी ना तो वो शायद यहाँ से भाग गया था। ओ भाई साहब इतने सारे बंदे सामने की तरफ में बैठे, बाहर निकलो बाहर निकलो, जो बाहर निकलेगा वो पिटेगा। भाई साहब अंदर की तरफ में बैठे पड़े, एक मिनट रुक जाओ, बाहर नहीं निकलोगे ना, अंदर चुपचाप बैठे पड़े हैं। मेरे को लग रहा है बिग माफिया अंदर ही होगा कन्फर्म, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी अगर है तो बिग माफिया है तो यहीं पर, और यहाँ पर जो जो बंदे अंदर थे उनको तो मैंने मार दिया। सामने वाले रूम में भी मेरे को लग रहा है ना काफी सारे बंदे, जो भी है बाहर निकल जाओ भाई, अभी जो भी उस तरीके खड़ा हुआ यहाँ पर। अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं ना भाई, सबको मारने वाला हूँ भाई, अगर इस तरीके से मैं हरकत करूँगा तो मेरा पूरा का पूरा घर भी खराब हो जाएगा, तो मुझे ना थोड़ा बहुत घर का भी ध्यान रखना है। तो गाइस सर अभी तो फिलहाल मैंने पूरा का पूरा घर चेक कर लिया है, नीचे वाला फ्लोर भी ऊपर वाला फ्लोर भी, लेकिन ना बालकोनी रह गई, क्या पता वो बालकोनी में जहाँ बैठ के टीवी देखता है वहीं पर अपना बैठा हो। और यहाँ पर ना सामने की तरफ में इतने सारे बंदे बालकोनी में थे, और ये देखो भाई साहब जी मर चुके हैं लेकिन फिर भी मार रहे हैं। और यहाँ पर ना मेरे को लग रहा है इस ग्रिल में ना करंट आता है, सारे के सारे बंदों की हालत देखो भाई साहब क्या हो गई है। अभी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं सामने की तरफ में, और भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है उन लोग को देख के भाई, फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर ने ना सारे के सारे पुलिस वाले जितने भी आए थे सबको मार के डाउन कर दिया, निकलते रही ऐसी की तैसी सामने से मेरे। भाई साहब अलग ही खड़े होकर बदमाश बन रहा है। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और एक ये छुपा हुआ भाई साहब बहुत ज्यादा बंदे हैं। यहाँ पर मैं अभी अभी बंदे मार के गया था, पता नहीं इतने सारे बंदे वापस कहाँ से आ गए। एक रूम रह रहा है भाई साहब, अच्छा ये नीचे से और आए जा रहे हैं भाई। गाइस यार मुझे नहीं समझ आ रहा अभी क्या करना चाहिए, यहाँ पर ना एक रूम और है, इसके अंदर मैं शायद से नहीं गया था। यहाँ पर ना मेरे को जो बंदा दिखा था उसको मैंने फिलहाल बाहर से ही मार दिया था, और यहाँ पर सामने की तरफ में ना अभी और बंदे हैं। एक काम करता हूँ, इस वाले कमरे के अंदर ना मैं स्मोक डाल देता हूँ ताकि जितने भी बंदे अगर अंदर छुप के बैठे हुए हैं मेरे को मारने के लिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अभी ना मैंने बहुत सारे स्मोक तो डाल दिए हैं। तो गाइस यार मैंने ना कमरे के अंदर स्मोक डाल दिया था, और बहुत ज्यादा ना खांसने की आवाज आ रही है, यानी कि बंदे बेहोश हो चुके हैं। चलते रहिए ऐसे की तैसे निकल। तो गाइस यार यहां पर जितने भी बंदे थे अभी फिलहाल मैंने सबको डाउन कर दिया, अंदर वाले कमरे में चलकर देखते हैं क्या सीन है। यहां पर मेरे को लग रहा है कोई ना कोई उत्तरी भैंस को डाल, इतने सारे बंदे, और ये देखो भाई साहब ये रहा उसका बेटा, भागने की कोई जरूरत नहीं है, इसको रुक जाओ, इसको ना बेहोश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टन गन्ना लगे आते इसके बजाय कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से ना चुपचाप यहां पर लेटे रहे, और मैंने इसको करंट लगा के बेहोश कर दिया है। ओ भाई साहब अंडरवाटर माफिया तू भी बेहोश हो, वैसे तो बेचारा ये ऑलरेडी बेहोश हो चुका है, मतलब कि ना इसको पहले किसी ने मतलब वो लोग मार के गए थे। और यार यहाँ पर देखो इतनी ज़्यादा लाशें मैंने बिछा दी है ना, सच्ची में इसके घर में ना यार बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। अभी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ में, भाई पूरा का पूरा घर चेक कर लिया, मुझे नहीं समझ आ रहा बिग माफिया कहाँ पर हो सकता है भाई, मतलब जो प्लान था ना वो उस टाइम पर पूरा का पूरा मेरे हिसाब से फेल हो चुका है, क्योंकि जिस घर में हमने अटैक करा वहाँ पर सारी की सारी सिक्योरिटी तो थी लेकिन बिग माफिया वहाँ पर था ही नहीं। और यहाँ पर ये इतने ज़्यादा खतरनाक बंदे भाई साहब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, बाहर की तरफ में अलग है अंदर अलग है। बाहर एक तो ना पुलिस वाले हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं, और यहां पर अंदर वाले कमरे में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं भाई साहब, बहुत खतरनाक लोग हैं। अभी ना इतना एरिया कंप्लीट कर दिया मैंने, मेरे हिसाब से अभी जितने भी बंदे घर के अंदर सिक्योरिटी थी सबको मैंने मार दिया। तो गाइस यार अभी तो मैंने ना सारा का सारा एरिया देख लिया, यहां पर इतने सारे बंदे मारे हैं ना पूछो मत, यहां पर इतनी ज्यादा लाइट क्यों चली। ओ भाई साहब वो जा रहा बिग माफिया, भाई साहब यहां पर तो इसने अपनी गाड़ी जो है भगा ली है भाई, बिग माफिया को मुझे नहीं छोड़ना, अभी जल्दी से ना मुझे इसका पीछा
करना पड़ेगा, जल्दी से मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ। यहाँ पर बेचारे की मुंडी अड़ गई है और उस कितनी तेज गाड़ी भगा रहा है भाई उसका ड्राइवर। भाई साहब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, ये नीचे छुपा पड़ा था इतनी देर से और ये सोच रहा था कि ना जैसे मैं इसे मारने आऊँगा ये लोग मेरे को मार देंगे, लेकिन इसके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे ना उनको तो मैंने 2 मिनट के अंदर गिरा दिया। और ये कौन से रास्ते से जा रहा है भाई, तेरी भैंस के टांग, गाड़ी रोको अभी कभी। भाई साहब ये तो पूरी की पूरी आर्मर्ड कार है और इसी के सिक्योरिटी गार्ड की कार ना मैंने भी ले लिया है। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, बिग माफी कार मेरे एकदम आगे चल रही है और हम दोनों के पास ना एकदम सेम कार है, यानी दोनों कार की स्पीड भी बराबर है, यानी कि जो मुकाबला है वो पूरा का पूरा बराबरी का होने वाला है। तो आज मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, यहाँ पर ना इसको गाड़ी से बाहर निकाल के मारूंगा। और भाई साहब सच्ची में इसका जो ड्राइवर है यार बहुत ज़्यादा तेज चला रहा है और ये जो बंदे हैं ना मेरे ऊपर गाड़ी ला के ठोक रहे हैं जान मुझ के, क्या भाई ये क्या हो रहा है। और वो मेरे से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया और ये किस तरफ मैं जाना चाह रहा है मुझे ना ये भी देखना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल ये मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है और मैंने इसे ऐसे टक्कर मारूंगा ना कि इसका एक्सीडेंट कर दूंगा। मेन ना मैं इसे मारना नहीं चाहता, अगर मैंने बिग माफिया को मार दिया ना तो फिर मजा नहीं आने वाला, मैं इसे जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। इसीलिए मैं इसकी गाड़ियों पर गोलियाँ नहीं चला रहा, क्योंकि अगर मैंने गाड़ी पर गोली चलाई तो हो सकता है इसका एक्सीडेंट हो और ये मर जाए। इसीलिए मैं एक काम करता हूँ ना, इसके आगे ले जाकर अपनी गाड़ी रोक देता हूँ, तभी कुछ होगा। एक काम करता हूँ, रुक जा तेरी भैंस के रंग, साइड लगा गाड़ी। भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है, ओहो मेरी गाड़ी मोड़ दी इसने उल्टा। भाई साहब दोनों के पास ना एकदम सेम कार है, उसकी भी आर्मर्ड कार है मेरी भी आर्मर्ड कार है, लेकिन यार ये जाना कहाँ चाह रहा है मुझे ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से गाड़ी भगा रहा है ना सामने की तरफ में तो एयरपोर्ट आएगा, तो मुझे लग रहा है ना कि ये एयरपोर्ट की तरफ में भागना चाह रहा है। गाड़ी रोक दे भाई, ये क्या चला रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ। भाई साहब ये क्या गाड़ी चला रहा है, एक टक्कर मारते हैं मेरी गाड़ी इतनी दूर क्यों चले जा रही है भाई। तो गाइस यार देखो, जब मैं टक्कर मार रहा हूँ तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब वो टक्कर मार रहा है ना तो मेरी गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा दूर चले जा रही है और मेरे हिसाब से ना इसकी गाड़ी पीछे वाले पेड़ में अटक गई। अभी मैं इसे बाहर निकल के सीधा मारने वाला हूँ। गाड़ी रोक तेरी भैंस की रंग, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, भागने की कोशिश मत करियो, गाड़ी रोक। अबे भाई भगा ली इसने, शिट यार। भाई साहब मैं यही चीज़ नहीं चाहता था कि मैं गाड़ी से उतरूँ और ये कहीं भगा ना ले, और सेम टू सेम वही चीज़ हुई और अभी ये बहुत ज़्यादा दूर निकल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी तेज अपनी गाड़ी भगा रहा है और यहाँ पर तो अब उसे पूरा का पूरा खाली रास्ता मिल चुका है, यानी कि वो अपनी गाड़ी बहुत तेज भगाएगा। भाई साहब मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा वो कहाँ की तरफ में चला गया, शिट यार। तो कहीं सर अभी तक तो उसकी गाड़ी मेरे आगे आगे चल रही थी, लेकिन अभी मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ की तरफ में चला गया। एक काम करता हूँ ना, मैं सीधा एयरपोर्ट निकलता हूँ क्योंकि मुझे 100% पता है वो एयरपोर्ट ही जाएगा और ये पूरा का पूरा रास्ता ना एयरपोर्ट का ही उसने पकड़ा था और सामने एक गाड़ी जा रही है, ये उसी की गाड़ी है क्या, शायद से उसी की गाड़ी मेरे को लग तो रही है। एक काम करता हूँ ना, ऐसे टक्कर मारूंगा। हाँ भाई ये उसी की गाड़ी है, मुझे लग रहा था बहुत दूर चला गया। गाड़ी रोक ले बेटा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। भाई साहब गाड़ी रोकने को राजी ही नहीं है तेरी, गाड़ी रोक भाई, क्या टक्कर है मार रहे है। यहाँ पर एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी में लगा देता हूँ ताकि इसे रोकनी पड़े, और भाई इसने भगा ली। अब यहाँ पर ना कुछ भी करके इसकी गाड़ी मेरे को रुकवानी है। भाई साहब ये बंदा गाड़ी रोकने का नाम ले ही नहीं रहा है भाई। ओ शिट, अबे तेरी भैंस की टांग, ये मैं कहाँ गया। ओ भाई अबे शिट यार, अभी ये अंदर भगा ली इसने सीधा एयरपोर्ट के। मैं भी जल्दी से ना एयरपोर्ट के अंदर निकलता हूँ। एक तो यार ये मेरी गाड़ी का टायर भी अभी पंचर होना था क्या यार। भाई साहब मेरी गाड़ी ना टायर पंचर होने की वजह से ढंग से चल नहीं रही और मेरे हिसाब से ना बिग माफिया बहुत आगे निकल गया होगा। और वो देखो वो सामने प्लेन के अंदर बैठने जा रहा है। रुक जा तेरी भैंस की टांग, प्लेन के अंदर मत जाइयो भाई। वो प्लेन के अंदर जाके बैठ गया। भाई साहब प्लेन रोक। ओ भाई कितनी तेज उड़ा रहा है ये, इसका प्लेन मैं नहीं छोड़ने वाला। भाई साहब इसने तो प्लेन कितनी तेज उड़वा दिया भाई, यार ये तो मेरे हाथ से निकल गया। शिट यार अभी ना एक काम करता हूँ, लेकिन यार नहीं अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास ना एक आइडिया है, मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ, मतलब कि जो मेरा प्लेन है ना उस प्लेन में बैठ के मैं यहाँ से निकलता हूँ। और यहाँ पर भाई सच्ची में इसकी गाड़ी भी पूरी की पूरी ख़राब हो गई है। जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। अबे यार पता नहीं उसका प्लेन कहाँ चला गया। गाइस वो देखो बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है। एक काम करता हूँ ना, स्नाइपर मारने की कोशिश करता हूँ, क्या पता लग जाए भाई। वैसे तो मुझे नहीं लगता अब कुछ होने वाला है, उसका प्लेन जो है बहुत ज़्यादा दूर चला गया यहाँ पर। भाई कुछ नहीं हो सकता, वो भाई बहुत ज़्यादा दूर निकल गया भाई। सच्ची में बिग माफिया बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और उसका प्लेन इधर से क्या, वो देखो यार वो जा रहा। अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइस यार मेरे को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड की वजह से आज बिग माफिया हमारे हाथों से बच गया। मतलब अगर मैं 2 सेकंड पहले भी यहाँ पर पहुँच जाता ना तो मैं बिग माफिया को मार देता, क्योंकि वो जैसे ही प्लेन के अंदर बैठा सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही उसका प्लेन जो है इतनी तेज़ उड़कर यहाँ से गया भाई, पूछो मत। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि यार उसका जेट के अंदर ऐसा कौन सा इंजन लगा था कि 2 सेकंड के अंदर वो सीधा इतनी ज़्यादा आगे तक चला गया। और भाई मेरे हिसाब से तो अभी वो लॉस सैंटोस भी कब का पार कर गया होगा भाई, सच्ची में बहुत ज़्यादा तेज उड़ रहा था उसका प्लेन।
पता नहीं यार कौन सा प्लेन था, रेड कलर का था। मैंने तो आज तक ऐसा प्राइवेट जेट कभी नहीं देखा। लेकिन जो भी हो यार, अभी लेस्टर का जो प्लान है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बुरी तरह फेल हो गया। और हमने सबको मार दिया, ए टू जेड बंदे जितने भी थे सारी सिक्योरिटी को मार दिया, लेकिन जो मेन बंदा था बिग माफिया भाई वो बच गया। तो गाइस यार मुझे तो लग रहा था कि बिग माफिया जो है ना अपने घर पर है नहीं, इसीलिए मैं वहां से निकल रहा था। लेकिन जैसे निकलने लगा भाई तभी मेरे को वो नीचे की तरफ में नजर आ गया। और मतलब कि इतना ज्यादा सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि ना ही मैं फ्रैंकलिन को बुला पाया, ना ही मैं ट्रेवर को बुला पाया भाई। तो गाइस यार अभी ना बहुत ज्यादा बेकार सीन हो चुका है, क्योंकि बिग माफिया जो है अभी भी जिंदा है। और अभी ना फ्रैंकलिन, ट्रेवर, माइकल एंड लेस्टर की जान को बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि बिग माफिया बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है। वो अपना बदला लेने के लिए इनके ऊपर कभी भी अटैक करवा सकता है। और यहाँ पर मेरी गाड़ी में भी आग लग गई, शिट यार मेरे को ना दूर जाना पड़ेगा। तो भाई यार अभी ना वो वाली गाड़ी जो मैंने पीछे छोड़ दी, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर एक बाइक नजर आ गई थी बहुत बढ़िया सी, अभी ना इस बाइक से मैं जाने वाला हूँ। और हाँ, मेरी ना लेस्टर से कॉल पर बात हो गई है, और लेस्टर ये कह रहा है कि जो बिग माफिया का मैंशन है ना उसके पहले एक जगह है, जल्दी से ना उसकी पार्किंग में आ जाओ, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। अभी ना चलकर देखते हैं भाई, पता नहीं क्या सीन हो गया। मेरे हिसाब से ना फ्रैंकलिन के साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, क्योंकि फ्रैंकलिन उस टाइम पर ना पुलिस वालों को मारने में बहुत ज्यादा बिजी था। अभी चलकर देखते हैं क्या सीन है। और ये दोनों यहाँ पर अपना फोन में लगे पड़े हैं, भाई क्या हो गया। तो कि गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर एंड फ्रैंकलिन से बात हो गई है। ये लोग कह रहे हैं कि ना हमने बिग माफिया का पूरा मेंशन चेक कर लिया, लेकिन ट्रेवर जो है कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, ना ही उसका फोन लग रहा है। भाई पता नहीं यार ट्रेवर कहाँ पर चला गया, एक बार ही ना मैं उसे फोन कर देख लेता हूँ, क्या पता मेरे फोन से मिल जाए। लेकिन यार भाई ये देखो बिजी बता रहा है, भाई पता नहीं क्या सीन हो गया यार अभी। खैर छोड़ो जो भी है। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट इस वीडियो जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं हम लोग ओनली 6 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और चैनल भी नहीं हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मुझे कमेंट में ना ये जरूर बताना कि आगे क्या हो सकता है। मतलब कि मुझे तो ये लग रहा है कि बिग माफिया हमारे ऊपर बहुत तगड़ा अटैक कर सकता है। और अभी ये भी नहीं मालूम कि आखिरकार ड्राइवर कहाँ चला गया, ड्राइवर को भी ढूंढना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जाकर जरूर बताना। मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप लोग बता सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। इंस्टा एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।